को एक सामाजिक रूप पे जागृत होते हुए। लेकिन हाँ, हमें शुरू से एक लड़की को समझाया जाता है कि उस बात को इग्नोर, लेकिन यही एक बहुत बड़ी गलती है जो हम करते हैं। लड़कों को कुछ रोक टोक नहीं होती, लेकिन लड़कियों को को इग्नोर कर दो और बात को बढ़ाओ मत, वही हमारी सबसे बड़ी गलती हो जाती है। क्योंकि यही एक एनकरेज मिल जाता है कि अगर वो कमेंट बजा के बच सकते हैं तो रेप करना भी कोई बड़ी बात नहीं है। सामने आई है कि हम डरे तो आखिर क्यों डरे। सबसे पहली बात तो यह है कि बाद इतनी स्ट्रांग विल पावर रखने के बाद फाइनली शी इज नॉट देयर विद अस एनी मोर, क्या रिएक्शन था बताइए आप जी। मैंने तो मन्नतें मांगी थी भगवान से वो बच जाए, लेकिन आज 5:30 बजे टीवी खोले, मैंने सुना वो दामिनी नहीं रही, मैं नाश्ता कॉलेज ऐसे चली आई और मुझे इतना रोना आ रहा था, मैं बता नहीं। अंजलि देखिए, एक बहुत बड़ा सवाल हम सबके सामने निकल कर आ रहा है। दामिनी में से छिपा एक चेहरा था, कुछ लोग टूट गए तो शायद कुछ अभी भी रोष में है, गुस्से में है, जो हर आर अपब्रिंगिंग शोज हियर। आई मीन इवन व्हाइल मेंशनिंग एंड एडवोकेटिंग फॉर वेस्टर्न क्लोथ, शी एंडेड अप सेइंग कि गांव में लड़कियां ठीक ठाक से कपड़े पहनती हैं। राइट वेरी कॉन्शियसली यू आर सेइंग दैट वेस्टर्न अटायर इज नॉट ठीक ठाक के कपड़े। वेरी टू से दैट इट इज नॉट जस्ट द एजुकेशन दैट यू प्रोवाइड टू अ चाइल्ड इन इंस्टीट्यूट टू बी डन फॉर पेरेंट्स ऑल्सो प्री मैरिटल, उसमें इसको भी इंक्लूड करने की बहुत ज्यादा जरूरत। बिकॉज हो ना हो, आप चाहे बच्चे को स्कूल में जो भी पढ़ा, घर पे जो वो देखता है वो आपकी पूरी लाइफ का इम्प्रिंट रिफ्लेक्ट करता है। यस, आई हैव अनदर पॉइंट टू मेक। जैसे हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रही है एंड एवरीबडी इज गोइंग, अपनी वॉइस सोशल मीडिया पे ला रहे हैं, दीज पीपल हैव एक्सेस आर द वंस हु कैन बी टॉट, बट व्हाट अबाउट दोस ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है या फिर इलिटरेट है या फिर न्यूज़पेपर भी नहीं होगा टू रीच दोज एरियाज एंड वी हैव टू, अगर हम अपनी एनर्जी एंड वी आर गोइंग फॉर प्रोटेस्ट फॉर पास्ट 10 डेज सच शुड बी द डायरेक्शन। वन थिंग आई वुड लाइक टू से दैट कैप हैंग कर देना, उनके स्टैंडर्ड पे नहीं गिर सकते। उन लोगों को जिंदा रख to repent each and every moment of their living life. I've done. Right. That is my point of view. Yeah. दोनों तरीके के बदलाव की जरूरत पर भी और इंस्टीट्यूशनल करेक्शन करने की भी जरूरत जरूरी है सेल्फ डिफेंस, क्योंकि जब कुछ हमारे साथ गलत होता है तो पुलिस बाद में आती है, उससे पहले हमें ही कुछ करना चाहिए। राइट, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि सेल्फ डिफेंस करने से अपनी आवाज उठानी चाहिए। अब यहाँ पर कुछ हो रहा होता है और इतना कुछ हो जाता है। था और हिंदी की एक छोटी सी किताब लगी थी।